स्टील उठारियाँ की बात करें तो फतेह पहले तो बहुत टूट चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब करे तो क्या करे, लेकिन घर आने के बाद वो फैसला करता है कि जैस्मीन की यादों को अपनी ज़िंदगी में नहीं रखेगा। वो सब कुछ इधर उधर फेंक देता है और फिर वो तेजो के पास जाता है और तेजो को गले लगा लेता है, एक टाइट हग देता है तेजो को और कहता है कि तेजो, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आती, मेरी फैमिली में नहीं आती, तो सचमुच आज क्या हो जाती मेरी फैमिली। जैस्मीन ने तो मेरी फैमिली और मुझे बर्बाद ही कर दिया था, लेकिन तुमने इस फैमिली को संभाला और मुझे भी संभाला। मैं सचमुच बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। ज़रूर मैंने पिछले जन्म में कोई मोटे दान किए होंगे, अब आपको बता दी। ये सुनने के बाद तेजो बहुत खुश हो जाती है और फिर एक बार दोनों फिर से गले लग जाते हैं। कहीं ना कहीं अब फतेह जो है वो तेजो को पसंद करने लगा है, तेजो को चाहने लगा है और अपने दिल की बात वो सब बताना चाहता है। अब तेजो को टाइट हग देने के बाद जब तेजो अपने रूम में जाती है, वो बहुत खुश होती है, फतेह को याद कर रही होती है, वो तैयार हो रही है, सज रही है, धज रही है, और तभी वहाँ पर फतेह आ जाता है। दूर से फतेह तेजो को कहता है कि वो बहुत सुंदर लग रही है, और इधर से तेजो भी फतेह को हंसकर जवाब दे रही है। कहने का मतलब ये है कि फतेह ने तेजो को अपना लिया है, जैस्मीन को उसने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है और तेजो की तरफ उसने हाथ बढ़ा दी है। देखना दिलचस्प होता है, क्या सचमुच अब फतेह और तेजो हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, या फिर सचमुच जैस्मीन कोई बड़ा ड्रामा करेगी।